दोस्तों परीक्षा की तैयारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल एग्जाम मास्टर। थैंक यू दोस्तों। ऑनलाइन स्पीड टेस्ट में आपका स्वागत है। यहाँ पर आप अपनी क्षमता और स्पीड दोनों चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको सारे ऑनलाइन टेस्ट मिलते रहें। तो चलिए देखिए पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। किस मुगल शासक के राज्यकाल में सर्वाधिक गैर मुस्लिम सरकारी सेवाओं में नियुक्त थे? ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। तो आप अपना प्रश्न का उत्तर सोच लीजिए और उसे नोट करते जाइए। इसमें सही जवाब है डी, औरंगजेब। अगला प्रश्न है किस पर स्वामित्व के लिए पाल प्रतिहार व राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ? तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, त्रिकोणीय संघर्ष के नाम से ये जाना जाता है। तो ये कन्नौज राज्य के लिए हुआ था जिसमें पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूटों ने भाग लिया था। पुर्तगालियों ने भारत में अपना प्रथम वायसराय सन 505 ईस्वी में भेजा जिसका नाम था डुप्ले, अल्मीडा, बूसी और वास्को डिगामा। तो दोस्तों उसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। तो बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है अकबर जिसे अपने जीवन काल में पूर्ण ना कर सका परंतु उसे जहांगीर ने पूरा किया, वो कौन सा कार्य था? तो दोस्तों वो मेवाड़ की अधीनता थी। अकबर अपने चलते मेवाड़ को नहीं वो करवा पाया था। देखिए डी ऑप्शन सही है। जबकि उसे जहांगीर ने मेवाड़ को अपने अधीन कर लिया था अपने शासनकाल में, और जब अकबर थे तो उस समय राणा प्रताप मेवाड़ के राजा थे। अगला प्रश्न है ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन इंग्लैंड के शासनाध्यक्ष की अनुमति से किया गया था। ये गठन सन 1600 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों बिल्कुल सही जवाब है। अकबर के दीवान ए दहसाला बंदोबस्त व्यवस्था लागू थी। तो दोस्तों दहसाला की जो व्यवस्था थी वो राजा टोडरमल के द्वारा लागू की गई थी। तो इसमें सही जवाब भी है। शिवाजी ने किस स्थान पर मुगल सेना के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए ये ऑप्शन पुरंदर स्थान की बात की गई है। ऑप्शन ए सही है। दीवाने कोही की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? तो दोस्तों दीवाने कोही की स्थापना आप देख सकते हैं मोहम्मद तुगलक ने की थी। सन 1579 में अकबर ने मजहर नामक लेख पत्र जारी किया, निम्नलिखित में से इसके क्या प्रभाव थे? तो दोस्तों इसके प्रभाव आप देख सकते हैं। ऑप्शन सी सही है। अकबर को विवादग्रस्त विषयों में अंतिम निर्णय देने का अधिकार प्राप्त हो गया था। अगला प्रश्न है फसल उत्पादन एवं भूमि की नाप के आधार पर सर्वप्रथम किस शासक ने लगान वसूली प्रारंभ की? तो दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक, शेरशाह, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक। तो यहाँ पर सही जवाब अलाउद्दीन खिलजी है। 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में जब पुर्तगाली भारत आए तो उन्हें अपने समुद्री एकाधिकार है तो निम्नलिखित में से किससे संघर्ष करना पड़ा? तो दोस्तों अरबों से संघर्ष करना पड़ा पुर्तगालियों को। भारत तथा यूरोपीय देशों के साथ व्यापारिक संबंधों का इतिहास काफ़ी पुराना है तथा स्पेन और पुर्तगाल के नाविक भारत की तलाश में लगे हुए थे। वास्को डी गामा एक बार ही नहीं दूसरी बार भी सन ऑप्शन आप देख सकते हैं 1502 ईस्वी में भारत आया। अगला प्रश्न है भारत में व्यापार करने की अनुमति ईस्ट इंडिया कंपनी ने सन 1610 में प्राप्त की थी। यह अनुमति तत्कालीन मुगल सम्राट ने दी थी जिसका नाम था जहांगीर। गोवा पर पुर्तगालियों ने कब कब्जा किया? तो दोस्तों सही जवाब है 1510 ईस्वी में। भारत में सबसे पहले यूरोप के किस देश के व्यापारी व्यापार करने आए? तो दोस्तों सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। अंग्रेजों कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ बनाई? तो सूरत में। इसका सही जवाब है। गुलबदन बेगम द्वारा रचित पुस्तक का नाम है? तो दोस्तों गुलबदन ने अकबरनामा नहीं हुमायूं नामा की रचना की थी। जी हाँ दोस्तों। अकबर ने पानीपत का द्वितीय युद्ध किस राजा के विरुद्ध लड़ा? तो दोस्तों अकबर और हेमू के बीच पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ था। किस विश्वगुरु पर खुसरो को जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह में सहायता करने का आरोप लगाया गया? तो दोस्तों सही जवाब है गुरु अर्जुन देव। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ? तो दोस्तों तलवंडी में गुरु नानक का जन्म हुआ। अगला प्रश्न है पद्मावत के माध्यम से चित्तौड़ की रानी की कथा किसने अमर कर दी? तो दोस्तों मलिक मोहम्मद जायसी ने। कृषि हेतु ऋण व्यवस्था सर्वप्रथम किस सुल्तान ने की? तो दोस्तों कृषि हेतु ऋण व्यवस्था सर्वप्रथम मोहम्मद तुगलक ने शुरू की। किस मुगल शासक ने नवरोज समारोह मनाने पर पाबंदी लगा दी थी? तो दोस्तों सही जवाब है औरंगजेब।
औरंगजेब के शासन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही है? तो दोस्तों, उसने ब्राह्मणों पे भी जजिया कर लगा दिया, नहीं उसने ज्योतिषों के दरबार से निकलवा दिया, नहीं उसने मथुरा और बनारस के मंदिर तुड़वाए, नहीं उपर्युक्त तो सभी जवाब सही, क्योंकि उसने ये सारे काम किए थे। किस मुगल शासक को सनातनियों के विद्रोह का सामना करना पड़ा? तो दोस्तों, औरंगजेब सही जवाब है। पिछले क्वेश्चन में भी आपने देखा होगा उसने क्या क्या किया था। अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध किस तारीख को हुआ था? तो दोस्तों, प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को। पद्मावत के माध्यम से चित्तौड़ की रानी की कथा किसने अमर कर दी? तो दोस्तों, ये तो क्वेश्चन दोबारा आ गया है, मलिक मोहम्मद जायसी सही जवाब है। हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने स्थानांतरित की? तो दोस्तों, सही जवाब है मोहम्मद बिन तुगलक ने। मुस्लिम आक्रमणकारियों के विरुद्ध हिंदू राजाओं की पराजय का मुख्य कारण था? तो दोस्तों, सही कारण था राजनीतिक एकता का अभाव। शेर शाह के अधीन दीवाने रिसालत का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? तो दोस्तों, सही जवाब है खुफिया मामले से। कर्नाटक का रत्न किस शहर को कहा जाता है? तो दोस्तों, सही जवाब है मैसूर। कृषि हेतु ऋण व्यवस्था सर्वप्रथम किस सुल्तान ने की? तो दोस्तों, कृषि हेतु ऋण व्यवस्था सर्वप्रथम मोहम्मद बिन तुगलक ने की। मराठा साम्राज्य के पतन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों, मुगलों से लगातार संघर्ष सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों, सही सुमेलित नहीं है बीजापुर निजामशाही। निम्न में से कौन संत कृष्ण मार्गी नहीं थे? तो दोस्तों, दादू दयाल, बाकी तीनों संत कृष्ण मार्गी थे। कालक्रम की दृष्टि से सही विकल्प चुनिए? तो दोस्तों, कालक्रम की दृष्टि से सही विकल्प है गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और सैयद वंश। बंगाल के किस नवाब ने मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी परिवर्तित की? तो दोस्तों, सही जवाब है मीर कासिम। अंतिम मौर्य सम्राट जिसका वध उसके सेनापति ने कर दिया था? तो दोस्तों, सही जवाब है बृहद्रथ। किस मुस्लिम शासक ने जजिया ब्राह्मणों से भी वसूल किया? तो दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक। बैरम खां के पतन के पश्चात अकबर किसके प्रभाव में आ गया? तो दोस्तों, मोहम्मद अनगा, माहम अनगा जिसे कहा जाता है, माहम अनगा, महामंगा। माल शब्द मुगल काल में किस अर्थ में प्रयोग होता था? तो दोस्तों, माल शब्द मुगल काल में उपज कर होता था। शिवाजी अपने स्वराज में भू राजस्व बढ़ा दिया था? तो दोस्तों, सही जवाब आप देख सकते हैं 40% तक। शिवाजी के प्रशासन में पाटिल कहा जाता था महाल। निम्नलिखित में से किस एक मराठा सरदार ने 1719 में मुगल बादशाह को अपदस्थ करने में सैयद बंधुओं की सहायता की? तो दोस्तों, सही जवाब है बालाजी विश्वनाथ। प्रसिद्ध मयूर सिंहासन को कौन भारत से बाहर ले गया? तो दोस्तों, सही जवाब है नादिर शाह। तीसरे पानीपत के युद्ध में जाट शासक सूरजमल की क्या भूमिका थी? तो दोस्तों, उसने अहमद शाह वह युद्ध से अलग रहा, औरंगजेब का तात्कालिक उत्तराधिकारी था। तो दोस्तों, औरंगजेब का तात्कालिक उत्तराधिकारी था बहादुर शाह। कौन सा युग्म असत्य है? तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मोपला विद्रोह 1926। भरतपुर के जाट राज्य की स्थापना किसने की? तो दोस्तों, चूड़ामन और बदन सिंह ने। गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ? तो दोस्तों, बयाना राजस्थान से। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त की कुल 6 प्रकार की स्वर्ण मुद्राओं में से कौन सी मुद्रा उसकी मुद्राओं में शामिल नहीं? तो दोस्तों, मयूर प्रकार। गुप्त प्रशासन में अश्वसेना का नायक था भटाश्वपति। प्रसिद्ध चोल शासक राजराज ने कौन सी उपाधि धारण की? राजराजेश्वर की। शिवपाद शेखर की। सुकेर चकिया मिसल के प्रधान रणजीत सिंह ने किस वर्ष लाहौर पर कब्जा किया? 1799 में। गुजरात के गिरनार के समीप मुस्तफाबाद की स्थापना कर उसे अपनी राजधानी बनाने वाला शासक था
सुल्तान मुजफ्फर शाह। मुगल काल में गांवों की कानून व्यवस्था का प्रभारी अधिकारी कौन था? मुकद्दम। औरंगजेब के समय किस विद्रोह की कृषक पृष्ठभूमि थी? जाट और सतनामी। किस सिख गुरु पर खुसरो को जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह में सहायता करने का आरोप लगाया गया? तो दोस्तों गुरु अर्जुन देव। दीन इलाही क्या है? उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि दीन इलाही अकबर द्वारा चलाया गया धर्म था। अंतिम प्रश्न है, शेरशाह सूरी के किस पक्ष की प्रशंसा इतिहासकारों ने की? भू राजस्व की। तो दोस्तों ये क्विज मैं यहीं समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में मैं लेकर के आऊँगा और कोई अच्छा सा क्विज। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एग्जाम मास्टर को, जिसे हिंदी में कहते हैं परीक्षा गुरु। धन्यवाद।